आप ये बताइए कि स्वार सीट से तो आपके सामने तो अब्दुल्ला आजम होंगे, तो ये तो कांटे की टक्कर नहीं होगी? मेरा मानना है, देखिए अब्दुल्ला जब चुनाव लड़ा था तो उस टाइम कुछ ऐसा था कि प्रशासन का और सरकार का बहुत दबाव था प्रशासन पे, जो उस टाइम का लोकल प्रशासन था वो चुनाव लड़ा रहा था जी। और इनके जो पिताजी थे वो नगर विकास मंत्री थे जी। तो उन्होंने उस टाइम अपने अपनी नीति से उन्होंने स्वार और टांडा नगर पालिका को लगभग 500 करोड़ रुपए दिए थे चुनाव से लगभग 6 महीने पहले। तो ये सब प्रेशर था, जो सीईओ थे उस टाइम वो एसपी से ज़्यादा पावर रखते थे, तो दुरुपयोग था सरकार का जी। अब कुछ ऐसी बात नहीं है, अब तो वो रो रहे हैं, पहले तो वो अपना पर्चा भरे हैं, उनको यही नहीं पता उनकी डेट ऑफ बर्थ कौन सी है, कौन कब उनकी जन्म हुई है, वो उन्हीं को नहीं पता है। तो लेट्स सी, जब एक बार नॉमिनेशन होता है कौन पर्चा भरता है अभी तो ये वक्त बताएगा। लेकिन हमजा देखिए, अब्दुल्ला आजम तो कह रहे हैं कि उन्होंने संघर्ष करना सीख लिया है, झूठे मुकदमे उन पर बनाए ये वो कहते हैं, और 23 महीने वो जेल में रहकर आए और वो कह रहे हैं कि मैं लोगों के बीच रहा हूँ, मैं कहीं बाहर से नहीं आया हूँ, वो ये बात कह रहे हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है। जब वो 2 साल विधायक थे, उनकी विधायकी निरस्त होने से पहले, तो जब भी पब्लिक उनके पास गई, बहुत से गांव हैं जहां पर लोग गए उनके पास, उन्होंने कहा हम पे इतने मुकदमे, हम अपनी नहीं संभाल पा रहे हैं, कोई मुकदमा फर्जी नहीं। जो उन्होंने पब्लिक पे मुकदमे किए थे, चाहे वो मैं आपको बताऊं, चाहे झूठे मुकदमे 307 के, 376 के, NDPS एक्ट के उन्होंने नाजायज़ मुकदमे लोगों पे लगाए, आप पता करिए। लेकिन बकरी चोरी, भैंस चोरी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने करी, ऐसे ऐसे आरोप लग गए। अरे तो कई तो ऐसे थे, जब कोर्ट में भी जब आए तो लोगों को हैरानी हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जब उन्होंने हम पे झूठा मुकदमा किया था जिस पे हमला मुझ पे हुआ था, और मैं सुप्रीम कोर्ट गया फिर बेल के लिए, तो जस्टिस गोगोई थे, तो उन्होंने भी यही बात कही थी, ये वही मंत्री है जो भैंसों को पकड़वाने के लिए पुलिस वाले भेजे, तो सुप्रीम कोर्ट में हंसी का माहौल था। मैं आपको बताऊं, ये इन्होंने जो की है, जो इन पे हर एक मुकदमा सच है, इन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया, पब्लिक के बीच आदमी रहा नहीं है। उसका कारण ये है कि जब इनकी सरकार नहीं होती, चाहे ये हो या इनके पिता हो, इनका एक ही लफ्ज़ है कि हमारी सरकार नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब आदमी जो अगर किसी को जनप्रतिनिधि चुन रहा है, तो उसका कर्तव्य है कि वो अपनी जनता के बीच रहे, खड़ा रहे, चाहे काम हो या ना हो, प्रयास करना बहुत ज़रूरी है।